वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। तो डीमन स्लेयर का सीजन 3 तो तुम में से सबने देख ही लिया होगा, लेकिन क्या तुम में से किसी ने सोचा है कि अगर डोमा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाता तो क्या होता? नहीं ना, तो वीडियो आगे देखो पता चल जाएगा। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, अगर डोमा अंतेंगू और ग्योको के साथ जाता, इसका मतलब समझ रहे हो, वहां पर तीन अपर मून्स होते भाई, यहाँ दो को डिफीट करने में डीमन स्लेयर्स के प्राण निकल रहे हैं, ऊपर से डोमा और आ जाए तो उनका क्या ही हाल होगा भाई। तो यहाँ पर तो डीमन स्लेयर बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर डोमा अंतेंगू की जगह जाए, मतलब डोमा और ग्योको दोनों एक साथ जाए, क्या इस सिचुएशन में डीमन स्लेयर्स इन दोनों को डिफीट कर पाएंगे? तो इसको हम रियल स्टोरी के हिसाब से देखते हैं, जिसमें मुइचिरो ग्योको से लोहा लेगा और डोमा तांजिरो गेन्या और नेजुको से फाइट करेगा। तुम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों लोग कितनी बुरी तरह से मारे जाएंगे, लेकिन 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 तुम में से जिसने भी डीमन स्लेयर की मांगा पड़ रखी है उसको पता है डोमा कितना बड़ा आरामी है। इसे ना अपने अपोनेंट से लड़ने से ज्यादा खेलने में ज्यादा मजा आता है, और खेलना मतलब मजे लेकर तड़पा तड़पा कर मारना, बिल्कुल ट्रू डीमन की तरह। इसका मतलब समझे, डोमा डायरेक्टली उन सबको नहीं मारेगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर तांजिरो गेन्या और नेजुको डोमा को थोड़े टाइम तक रोक पाते हैं तो हमारी प्यारी लव आशिरा मित्सुरी बैटल को ज्वाइन कर लेगी, लेकिन तब भी डीमन स्लेयर्स के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में देखा ही होगा कि अपर फोर को डिफीट करने के लिए सबको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और वैसे भी मांगा में हमें डोमा की फुल पावर नहीं दिखाई गई, लेकिन डोमा अपर मून 2 है और अंतेंगू अपर मून 4 है, तो सीधी सी बात है डोमा अंतेंगू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डोमा इजीली सबको डिफीट कर देगा और ब्लेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन दोनों सिचुएशन में तो डीमन स्लेयर्स नहीं जीत पाए, लेकिन क्या होता अगर डोमा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज अकेला जाता, क्या आप डीमन स्लेयर्स डोमा को डिफीट कर पाएंगे? तो इस सिचुएशन में डोमा के साथ ग्योको नहीं है, मतलब मुइचिरो डोमा के अगेंस्ट बैटल ज्वाइन कर सकता है, और हम ये लेके चल रहे हैं कि मित्सुरी भी इस बैटल को ज्वाइन कर लेती है, तो हमारे पास दो आशिरा प्लस में तांजिरो गेन्या और नेजुको है, टोटल 5 जन। इन सब के बाद फाइनली डोमा थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा और इसके बाद शुरू होगा असली बैटल। डोमा फुल मोड में होगा और अपने क्रायोकिनेसिस ब्लड डीमन आर्ट से सारे डीमन स्लेयर को खतरनाक लेवल पे इंजर्ड कर देगा, लेकिन जैसे ही डोमा सबको मारने वाला होगा तभी म्यूचिरो और मित्सुरी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेंगे और डोमा के सारे अटैक्स को काउंटर कर देंगे, और साथ ही तांजिरो अपना मार्क एक्टिवेट कर लेगा और नेजुको के ब्लड से अपने स्वॉर्ड को एकदम ब्राइट रेड कर लेगा, जिस तरह अंतेंगू की फाइट में किया था। लेकिन 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 ये सब भी कुछ काम का नहीं रह जाएगा जब डोमा यूज करेगा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक राइम वाटर लिली बुद्धिस्तना। ये एक बहुत बड़ा आइस का स्टैचू होता है आजिरामा के वुड स्टाइल की जैसे। अब इसके बाद फाइट और खतरनाक हो जाएगी, लेकिन फिर भी डोमा डीमन स्लेयर्स को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से सारे डीमन स्लेयर्स सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन कैसे? जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि डोमा को अपने अपोनेंट के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है, जिसकी वजह से फाइट करते करते सनराइज हो जाएगा, और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि कितना भी बदमाश डीमन क्यों ना हो धूप में नहीं रह सकता, तो डोमा को बीच में ही फाइट छोड़कर भागना पड़ेगा। वैसे अच्छा ही हुआ डोमा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज नहीं गया, नहीं तो सारे डीमन स्लेयर्स की वाट लग जाती। खैर, तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो से रिलेटेड कुछ भी ऐड करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं तुम लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।